चौराम में प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव कार्यालय खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव कार्यालय का शुभारम्भ कराया। आइए आपको भी दिखाते हैं। तस्वीर नगर के आर समाज मंदिर की है। यहाँ कोई जनसभा नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सदर प्रत्याशी की ओर से अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कराया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसमें सदर विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को बनाया गया है और उन्होंने चुनावी संग्राम में अपना कार्यालय भी खोल दिया है। कार्यालय का शुभारम्भ महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज जी ने फीता काट कर किया है। इसके बाद हरिहरानंद महाराज जी का यहां मौजूद सभी बीजेपी नेता अधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ के मौके पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंडित राम नरेश अग्निहोत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता, शिवदत्त भदौरिया समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां लोगों का उत्साह इस बात को साफ कर रहा है कि इस बार मैनपुरी सदर विधानसभा का चुनाव देखने लायक होगा और परिणाम काबिले तारीफ होगा। समय के रूप में हमारे यहाँ विराजमान है, उनके आजू बाजू में विराजमान हमारे समग्र भारत वर्ष के वैश्य समाज के मुकुटमणि आदरणीय डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी, उन्होंने भोगांव से विधायक और कैबिनेट मंत्री हमारे भैया आदरणीय रामनरेश अग्निहोत्री जी, आदरणीय श्री अशोक चौहान जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी और मंच पर विराजमान सभी लोग, क्योंकि मास्क लगा होने के कारण चेहरे ही पहचान में नहीं आ रहे हैं,